जय हिंद प्यारे साथियों, राम राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। काफी साथियों के बार बार मेरे पास कॉल और मैसेज जो है वो बार बार आ रहे हैं कि सर हम नगर पालिका भर्ती का क्या रहा क्या रहा। तो मेरे भाई देखो, हम भी इंसान ही हैं, कितने कॉल अटेंड करना मेरे भी बस की बात नहीं है। तो आपसे सबसे पहले तो मैं आपको जो भी खबर होगी यूट्यूब पे मैं आपको सारी की सारी खबरें दे देता हूँ। जब तक कोई फाइनल अपडेट ना हो मैं YouTube पे वीडियो भी नहीं बनाता। आप लोगों का बार बार कह रहे हैं कि आप वीडियो बनाइए, लेकिन अब जो मेरे पास नोटिस आया है तो ही जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बार बार कॉल ना करें। आप लोगों को जब मैं यहाँ पे YouTube पे आके सारी चीज़ें, मैं कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो फिर आप कॉल करने की कहाँ ज़रूरत आ रही है। ज़्यादा ही दिक्कत है तो WhatsApp मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को रिप्लाई कर मिल जाएगा। भाई रिक्वेस्ट है, भाई कॉल ना करिएगा वरना मैं सबके कॉल उठाना बंद कर दूंगा। किसी को इम्पोर्टेंट काम है, कोई ज़रूरी काम है तो कॉल करिएगा, अन्यथा ये पूछने के लिए कि भर्ती होगी या नहीं होगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल रही है। तो भर्ती की सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, इसके लिए प्लीज़ साथियों डोंट कॉल मी, मेरे को कॉल मत करना, परेशान हो जाऊंगा। वास्तव में मेरे को सिम तोड़नी पड़ जाएगी, इतने कॉल आते हैं दिन भर। ठीक है, बाकी बने रहेगा वीडियो में एंड तक। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा रहेगा। नगर पालिका भर्ती सरकार ने बनाया बेवकूफ, लाखों बेरोजगार निराश, भर्ती होगी या नहीं, लूट लिया सरकार ने युवाओं, ये आप लोगों को अभी चर्चा में चल रही है। अभी इस भर्ती को लेके क्या खबर है पूरी विस्तार से हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, ये अखबार की कटिंग जो है आज की है, कब की है, आज की है 14/9/2023 दैनिक भास्कर। मैंने इस खबर को अच्छे से परीक्षण किया है, उसके बाद ही ये वीडियो बन रही है। कोर्ट का सफाई कर्मी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया पर रोक से इनकार, कोर्ट ने मना कर दिया। पहले इस भर्ती पे रोक लगाई जानी थी, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि इस भर्ती पे हम रोक नहीं लगाएंगे भैया, इस भर्ती पे रोक नहीं लगा सकते। आगे देखिए कहानी क्या होती है, ये कहानी कहां से शुरू हुई, कहां ये कोर्ट में भर्ती पे रोक क्यों लगाई जा रही है, क्या ये सूचना है, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आप लोगों की भर्ती आई, ठीक है, उस टाइम क्या था कि केवल नगरपालिका वाले सर्टिफिकेट या सरकारी संस्थाओं के सर्टिफिकेट ही चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे भर्ती आपकी भर्ती के फॉर्म आपके लगने लगे तो सरकार ने क्या प्लान किया। देखो सरकार का प्लान क्या है, सरकार का प्लान आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है एक फॉर्म की जो फीस थी वो 600 रुपए थी, कितने रुपए थी प्यारे साथियों, 600 रुपए थी, कितनी थी, 600 रुपए थी, और फॉर्म लग गए 10 लाख, कितने लग गए, 10 लाख लग गए, ठीक है, कितने लाख लग गए, 10 लाख लग गए। जब इस 10 लाख को, चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूं, ठीक है, यहां पे फॉर्म लगे 10 लाख, ये 10 लाख फॉर्म जो है आपके लग चुके। अब यहां से प्यारे साथियों क्या हुआ, जब 600 रुपए एक फॉर्म की फीस और आपके फॉर्म लगे यहां पे कितने, 10 लाख, प्यारे साथियों सरकार के पास जो बजट गया वो कितना गया यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये बजट जो है सरकार के पास गया है इन फॉर्मों को भरवाते समय, ठीक है, कितना हुआ सर ये, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो ध्यान दे लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 60 करोड़, यानी कि 50-60 करोड़ का बजट सरकार के पास जा चुका है। बेरोजगार युवाओं ने फॉर्म डाला, फॉर्म फीस की, और अब इस भर्ती को इस कदर अटका दिया, तो भाई कहीं ना कहीं युवाओं के साथ अन्याय तो हुआ ही है, क्या हुआ है, अन्याय तो हुआ ही है प्यारे साथियों। अब यहां से एक सीधी सी सिंपल सी बात मैं करूंगा आप लोगों के लिए, ये अखबार की कटिंग को तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आप लोगों को खुद से कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ये भर्ती निकाली गई तो इसमें फॉर्म 2-3 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास लगे थे, फिर इन्होंने प्राइवेट संस्थाओं के लागू कर दिए, क्योंकि सरकार को पता था कि अब ये भर्ती भाई प्राइवेट संस्थानों के लागू करेंगे तो ही हमें बेनिफिट ज्यादा होगा, फिर होटलों के, घर के, किसी का भी कोई भी बनाए चल जाए। लेकिन मामला वही था, प्राथमिकता की बात में वही नगर पालिका, ठेकेदार का, सरकारी संस्था, उसको वैलिड किया, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि ये आपके फॉर्म भरवाए गए, ठीक है, होटल वोटलों के सबके चले, तो ये फॉर्मों की संख्या 10 लाख पार गई, ठीक है। अब क्या होता है, अब इस भर्ती में बहुत से बदलाव जो है बाद में किए गए,
ठीक है, उन बदलावों के चलते कभी कोई रिट लगा रहा है, कभी कोई आंदोलन चल रहा है, कभी कोई कोर्ट में जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो कुछ असामाजिक चीजें जो है इस भर्ती को लेकर घटी। अब वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की बात थी तो वाल्मीकि समाज को 50% दिया गया। कितना दिया गया? 50%। 16% SC ST को, 21% OBC को, इस तरीके से इनको बांट दिया गया। वाल्मीकि समाज की मांग थी कि 100% उन्हीं को मिले, लेकिन ऐसा सरकार ने ना किया। चलो कोई बात नहीं, सभी के हित में हुआ, अच्छी बात है। 50% वाल्मीकि समाज को मिल गई, सबको, सब खुश थे इस चीज से, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब ये भर्ती कोर्ट में जाती है भैया, कोर्ट में इस भर्ती को पहुंचा दिया गया। अब आपको पता है अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। कब लग जाएगी? अक्टूबर में। अब ये भर्ती होगी कि नहीं, इस बारे में बात करेंगे। अक्टूबर में क्या लगने वाली है प्यारे साथियों? अक्टूबर में लगने वाली है आपकी आचार संहिता। अब जब ये आचार संहिता लग जाएगी तो 18 अक्टूबर को भर्ती का फैसला आना है। 18 अक्टूबर को भर्ती का फैसला आएगा। आचार संहिता शायद 4 अक्टूबर से ही लग जाएगी, 4 या 5 अक्टूबर से लग रही है। तो अब ये भर्ती होगी क्या नहीं होगी? तो प्यारे साथियों, साफ शब्दों में मैं बात कह दूं आपकी कि ये भर्ती 2023 में नहीं होगी। इट्स क्लियर, 2023 में ये भर्ती किसी भी हालत में नहीं होगी। तो नहीं होगी, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ अभी कि इस भर्ती को 2023 में करवा सके। ठीक है, आचार संहिता को कोई नहीं टाल सकता। आचार संहिता लगने के बाद ये भर्ती नहीं होगी। अब प्यारे साथियों, कोर्ट ने क्या कहा है उस चीज पे थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। कोर्ट की तरफ से जो आदेश आप लोगों के लिए आए हैं वो क्या आए हैं, उन चीजों पे थोड़ा सा गौर करना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा है आप लोगों को जब तक पता ही नहीं चलेगा। तो कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने प्रदेश के 176 नगरीय निकायों में 13,184 पदों पर हो रही सफाईकर्मी भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम इनकार कर रहे हैं, हम नहीं लगाएंगे रोक इस पे। तो रोक नहीं लगेगी भर्ती पे, ध्यान रखना। भर्ती की आप लोगों का क्या होगा देखो, साथ ही प्रार्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश की दिया है, लेकिन उनका चयन इस याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश मोहम्मद रईस की याचिका पर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थिति में पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगाना संभव नहीं है। मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी, भर्ती नहीं होगी, ध्यान रखना, केवल सुनवाई होगी 18 अक्टूबर को। यह आपको साफ साफ दिया है शब्दों में, ओके। उसके बाद याचिका में सफाईकर्मी भर्ती को प्रैक्टिकल एग्जाम में साक्षात्कार के आधार पर करने को चुनौती दी थी। प्रार्थी के अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने बताया कि पूर्व में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया लॉटरी के जरिए की गई थी, वहां भर्ती नियमों में संशोधन किया गया था और उन्हें हाई कोर्ट ने भी स्वीकृति दी थी। जो भर्ती नियमों में जो परिवर्तन हुए कोर्ट की मान्यता से ही हुए थे। पहले भी अदालत ने लॉटरी प्रक्रिया को ही सही ठहराते हुए कहा था कि, आगे चर्चा करते हैं, क्या कहा था कि भर्ती में न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नियमों में नहीं है, शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल साक्षात्कार या अन्य माध्यम के जरिए भर्तियों पर होने पर फर्जीवाड़े की संभावना रहती है, लेकिन मौजूदा भर्ती की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी नियमों में बदलाव किया गया है। तेरे साथियों, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कोर्ट से, कोर्ट जो है फैसला करेगा 18 अक्टूबर को। कब करेगा? 18 अक्टूबर को। और कोर्ट यही चाहता है कि ये भर्ती हो, भर्ती पे रोक ना लगे। तो आपकी भर्ती जब 18 अक्टूबर को फैसला होगा, आचार संहिता के दौरान तो भर्ती होगी नहीं, लेकिन ये फिक्स हो चुका है कि आपकी भर्ती होगी। भर्ती होगी, क्या होगी प्यारे साथियों, यहां पे बात करें कि भर्ती जो है वो होगी, लेकिन साब कब होगी? भर्ती अटकी है, केवल रुकी है, एक तरीके से पोस्टपोन्ड आप इसको मान सकते हैं, स्थगित हुई है, रुकी नहीं है, रोक नहीं लगी भी। तो आपकी भर्ती जो है जैसे ही आचार संहिता हटेगी, आचार संहिता, जैसे ही आचार संहिता हटी आपकी भर्ती होगी, आपकी भर्ती जो है होगी, आपकी भर्ती जो है 100% कंफर्म जो है होगी। ठीक है, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि भर्ती होगी या नहीं होगी। तो ये क्लियर कर देता हूं, भर्ती होगी लेकिन अभी नहीं होगी, आचार संहिता के हटने के बाद होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके कॉल ना करें भाई, मैं आपको वीडियो में सारी चीज क्लियर कर रहा हूं, एक एक अभी कह रहा हूं, कॉल मैं नहीं उठाऊंगा। अगर नगर पालिका भर्ती संबंधित कॉल आपने कर भी दिया तो भाई मेरे को मजबूरी में काटना पड़ेगा, क्योंकि और भी काम होते हैं,
कोई डिफेंस से रिलेटेड, कोई ऐसे भी काम के लिए फोन आते हैं, भाई आप समझो ना कितने ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कितने लोग वीडियो को देखते हैं, हजारों की संख्या में देखते हैं। अगर सभी कॉल करेंगे, आपके पास अगर दिन में 2000 कॉल आए तो आप कितने कॉल अटेंड करेंगे, आप अपने ऊपर लेके चलिए। और मैं एक अध्यापक हूँ, एक टीचर हूँ, मेरे को पढ़ाना भी होता है और भी सारे काम होते हैं, तो क्या मैं इतने कॉल अटेंड कर पाऊंगा क्या? मेरे व्हाट्सएप में आज भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, 1000 मैसेज पेंडिंग पड़े हैं। कितने मैसेज? 1000 मैसेज जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। 1052 मैसेज जो है आप लोग देख सकते हैं ऊपर, 1052 मैसेज जो है ये मेरे पेंडिंग पड़े हैं। देखो कितने मैसेज आए हुए हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते मेरे भाई, बहुत सारे मैसेज कॉल आते हैं तो इतने मैसेज कॉल का हम रिप्लाई अच्छे से नहीं कर पाते। तो कृपया करके आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपके हर सॉल्यूशन को हम करने की कोशिश करेंगे, वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी जानकारी मिलती रहेगी। अब ये भर्ती होगी और आचार संहिता जैसे हटने के बाद, आचार संहिता कब हटेगी मेरे साथियों? 2024 में। अब ये भर्ती 2024 के स्टार्टिंग में करवा ली जाएगी, ठीक है। और नहीं होगा तो इसे तो फिर और दूसरे तरीका है हमारे पास करवाने का, आंदोलन करवा के करवा लेंगे, लेकिन अभी ये भर्ती नहीं हो सकती। 15 दिन में कभी भी किसी भी हालत में भर्ती नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी आपकी भर्ती इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट के साथ ही होगी, ये कन्फर्म है। जिन भी साथियों का पैसा खर्च हुआ है किसी भी चीज में, डॉक्यूमेंट्स में, किसी भर्ती के फॉरम में, तैयारी वैयारी करने में, सारा पैसा आपका काम आएगा, चिंता ना करें। भर्ती 2024 में होगी कन्फर्म। जो भी साथी, अब देखो कोर्स लेने की अगर मैं बात करूंगा तो सभी साथी ये बोलेंगे कि भर्ती तो होगी नहीं। आपको साफ साफ दिखा दिया है कि भर्ती 18 अक्टूबर को फैसला आएगा, यानी कि आचार संहिता हटते ही भर्ती आएगी। तो आप लोगों ने अगर कोर्स नहीं लिया है तो पहले साथियों कोर्स ले लीजिए, बाई स्टडी नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, या फिर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, बाई स्टडी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जो हमारा नगरपालिका का जो कोर्स है वो है 399 रुपए में आपको मिल रहा है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को 99 रुपए में मिल रही है। ये तो आपको मिल रहा है 399 में, तो कोर्स प्लस पीडीएफ दोनों चीज, और 99 रुपए में मिल रही है पीडीएफ। और बात रही सर ऑफलाइन बैच की, किसकी? ऑफलाइन बैच की। तो ऑफलाइन यहां आके तैयारी करना अभी हमने क्लोज कर रखा है। क्या कर रखा है? क्लोज। जैसे ही हमारी भर्ती आएगी, जैसे ही हमारी भर्ती आएगी हम इस भर्ती को, जैसे ही हमारी भर्ती आएगी हम इस भर्ती को, जो ये ऑफलाइन बैच है उनको शुरू कर देंगे और फिर आप हमारे पास आके तैयारी कर सकेंगे जैसे ही भर्ती की अपडेट। बाकी ये कोर्स वगैरह आप परचेज कर लीजिएगा, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं और आपको सबूत के साथ दिखाया है कि भर्ती 18 अक्टूबर को आप लोगों की सुनवाई हो जाएगी और 2024 में ये भर्ती 100% हो जाएगी। नहीं होगी तो हम आपके साथ आंदोलन में चलेंगे, आंदोलन हम करेंगे फिर, क्योंकि सरकार ने धोखा किया है और इस धोखे का जो बदला एक युवा कैसे ले सकता है वो सब जानते हैं, चुनाव सर पे हैं, ठीक है। बाकी अगर चुनावों के बाद कुछ होना है तो वो भी होगा, नई सरकार रहेगी, चाहे इनकी रहे चाहे किसी और की, काम करना पड़ेगा पहले साथी, ठीक है। तो आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी मुझे देनी थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय इस भर्ती का रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए नोटिस के साथ। और आप लोगों को देखो मैं बार बार वीडियो नहीं बनाता हूं लोगों की तरह कि डेली उठाया, लोग तो क्या लगाते थे थंबनेल पे, एडमिट कार्ड आ गए। कल भी वीडियो डल रही थी यूट्यूब पे, कई लोग हैं जिन्हें छपरी यूट्यूबर आप कह सकते हैं, एडमिट कार्ड जारी, एडमिट कार्ड डल गए सिर्फ व्यूज के चक्कर में। आज तक के रिकॉर्ड में आप देख लेना पीछे के खोल के, नगर पालिका भर्ती में अगर कभी भी मैंने थंबनेल पे लिखा हो या लाइन लिखी हो कि आप एडमिट कार्ड जारी हो गए जल्दी डाउनलोड करिए, लिखा है क्या? नहीं लिखा। लेकिन लोग हैं जो कुछ भी लिख देते हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आते रहते हैं कि सर बताइए ना कब आएंगे एडमिट कार्ड, 2024 में होगी भर्ती, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा और इंतजार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।